तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेम ट्रेनिंग, नेफ्स ट्रेनिंग और कंपनी ऑन रोल ट्रेनिंग में क्या क्या फर्क है, कौन सा बेहतर होगा आपके लिए। यदि आप कोई भी सिटी में जॉब करने के लिए जाते हो तो नेम ट्रेनिंग, नेफ्स ट्रेनिंग और कंपनी ऑन रोल ट्रेनिंग में आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं। तो हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम विनीत कुमार है, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नीम ट्रेनिंग क्या है और ये कब आई थी। नीम ट्रेनिंग एक गवर्नमेंट ट्रेनिंग है जो स्किल इंडिया की तरफ से है। तो ये 2016 से एक्टिव है ये स्कीम। इस स्कीम में उनको टारगेट किया जाता था जिनकी क्वालिफिकेशन कम है, जैसे कि 10th पास हो, 12वीं पास हो, ITI पास हो, इन लोगों को ही टारगेट किया जाता था नीम ट्रेनिंग में। इस ट्रेनिंग में होता क्या था, इस ट्रेनिंग में आपको कंपनी के अंदर स्टडी और काम सिखाया जाता था 3 सालों के लिए। यदि आप 3 साल कंटिन्यू जॉब यहाँ पे काम करते हो, स्किल लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तो वहाँ पे आपको 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का एक सर्टिफिकेट मिलता था। और उसके साथ ही इन 3 सालों के दरमियान में आपको सेफ्टी शूज, ड्रेस मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी के अंदर मिलती है वो सारी चीज़ें मिलती थी। कंपनी की सारी फैसिलिटी आपको मिलती थी, बस यहाँ पे PF नहीं कटता था। बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ। जब स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत सारे लोगों का इसमें करियर भी सेट हुआ, ऐसा नहीं है कि बेकार है। बहुत सारे लोग इस समय नीम ट्रेनिंग कर करके कंपनी में परमानेंट भी है। उसके बाद नेम ट्रेनिंग कम क्यों हुआ, अभी नेम ट्रेनिंग का जो एक और स्कीम आई है जिसमें नेम ट्रेनिंग में जो लोग भी 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं उनको PF मिलेगा। मतलब उनकी जो स्टाइपेंड है उसमें PF भी कटनी थी और कंपनी को ये मंजूर नहीं हुई, जिस कारण से नेम ट्रेनिंग अभी बहुत ही कम है। किसी किसी कंपनी में ये चालू है, ज़्यादातर आपको टाटा में दिखेगा नेम ट्रेनिंग। फिर बात करते हैं नेफ्स ट्रेनिंग का। नेफ्स ट्रेनिंग बहुत ही पहले से ये एक अप्रेंटिसशिप स्कीम है। यहाँ पे जिनकी क्वालिफिकेशन हाई है, जैसे कि डिप्लोमा और BTech कैंडिडेट को ही ये टारगेट करती है। इसमें आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, जैसे कि कंपनी ऑन रोल ट्रेनिंग होता है वो ऑन रोल ट्रेनिंग है और यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग में आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है 1 साल के लिए। 1 साल यदि आप यहाँ पे काम सीखते हो तो आपको एक अप्रेंटिसशिप लेटर मिलता है, जिसके बाद आपको ऑन रोल ट्रेनिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको आपकी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगी। ये अभी हर जगह हर कंपनी में आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। इससे क्या कंपनी को भी बहुत सारा बेनिफिट है। जितने सारे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे, डिप्लोमा वाले, BTech वाले, वो लोग अब अप्रेंटिसशिप के रूप में काम करते हैं 1 साल के लिए। फिर यदि आपकी वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो कंपनी आपको 1 साल ट्रेनिंग में भी चांस देती है। फिर हम बात करते हैं ऑन रोल ट्रेनिंग की। ऑन रोल ट्रेनिंग क्या होता है, कंपनी में आपको चांस मिलता है एज ए फ्रेशर को वहाँ पे आप काम सीखने के लिए। यदि आप 1 साल वहाँ पे अच्छे से काम करते हो, काम सीखते हो, तो आपको कंपनी आगे लेके जाती है प्रोविजनल में। कंपनी आपको आगे लेके जाती है प्रोविजनल में, आप एक 6 महीने का कंपनी आपको आगे लेके जाती है प्रोविजनल में। वहाँ पे 6 महीने का ये प्रोविजनल पीरियड होता है। यदि आप 6 महीने वहाँ भी अच्छा काम करते हो फिर आपको कंपनी कंफर्म कर देती है, मतलब आप कंपनी के एक स्टाफ हो चुके हो। उस समय आपकी हर साल पेमेंट बढ़ेगी और कंपनी की सारी फैसिलिटी मिलती रहेगी। उसके बाद आपकी पोजीशन भी टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे।